हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया हो गए और हेल्दी हो गए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और हेल्पफुल प्रोडक्ट आपके लिए, जो है पेंटोजिन 40 टैबलेट्स। तो आज हम इस वीडियो में इनके बारे में पूरी जानकारी जानेंगे कि आखिरकार ये किस चीज़ में आपके काम आते हैं और आप इनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसके डोजेस किस तरीके से ले सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे ये और कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जाकर अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास जो है वो है पेंटोजिन 40 टैबलेट्स, जिसमें आपको जो साल्ट कॉम्पोजिशन ड्रग जो फॉर्मूला देखने के लिए मिलता है, जिस भी नाम से आप जानते हो, और आप इन सब नामों से नहीं जानते हो तो मैं आपको बताऊं, जो आपको इसके अंदर दवाई देखने के लिए मिलती है वो मिलती है पेंटाप्राजोल। ओके, तो ये जो पेंटाप्राजोल है ये आपके आता है गैस में काम, जैसे कि आपको गैस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे खट्टी डकार आना, आपके सीने में जलन होना, आपके मतलब कि मान लीजिए पेट में बहुत बुरी चुभन होती है, तो इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो गई है आपको, तो आप इसको ले सकते हैं। मैंने जैसे बताया, एक बार और रिपीट कर देता हूँ आपको, जैसे खट्टी डकार आना, आपको सीने में जलन, गले में जलन, या आपके पेट में चुभन या गैस बननी है बहुत, तो आप इसको ले सकते हैं। आपको बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और मार्केट में आपको ये जो पेंटाप्राजोल है बहुत सारी कंपनी की प्रोवाइड हो जाती है, ऐसा नहीं है कि आपको बस ये पेंटोजिन 40 लेनी है, बस आपको क्या देखना है, पेंटाप्राजोल मिलना चाहिए और उसमें जो आपको जो साल्ट देखे 40 mg, आपको इसमें मिलता है 40 mg, यहाँ देख सकते हैं, तो बस आपको 40 mg देख लेना और आपको साल्ट देख लेना। और आपको किसी भी अदर कंपनी की अगर मिलती है तो आप कोई बात नहीं मेडिकल से ले सकते हैं, अगर आपको ये पेंटोजिन 40 आपके करीबी मेडिकल पर नहीं मिल पा रही है। तो इसके डोजेस की बात भी कर लेते हैं कि आखिरकार आपको इसके क्या किस तरीके से और कैसे कैसे डोजेस लेने चाहिए। तो इसके जो आपको डोजेस लेने, वो आपको अगर ज़्यादा दिक्कत है गैस से, ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप सुबह शाम ले लीजिए, और अगर आपको मतलब कि कभी कभार ही गैस बनती है तो आप इसकी जो डोजेस हैं वो कभी भी ले सकते हैं। जब आपको गैस बनी आप एक टैबलेट लीजिए, खा लीजिए ताजे पानी के संग, और आपकी जो गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमारी वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।